आपको लगता है आप कुछ कर रहे हो आप कुछ कर ही नहीं होते आपको तो बस फ्लो के साथ जाना होता है अगर आपने ये जैसे नदी पार करनी है तो वहाँ पे नाव खड़ी है ना लाल नाव है नीली नाव ना ना है ना हरी नाव है आपने चूज ये बस इतना कर सकते हो आप कि हरी में बैठो हैं में बैठो नीले में बैठो वो पानी बैठ गए अगर उसके बाद तो फिर नाव चलेगी फिर तो पहुँचोगे ही कहीं ना कहीं तो ठीक है तो अगर घुस ही गए एनिमेशन में तो एनिमेशन अगर वी एफ एक्स में घुस गए तो वी एफ एक्स जिसमें भी घुस गए फील्ड के अंदर वो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे बस अब वो आपको देखना कि वो चलती हूँ नाव के अंदर हफरा तफरी करके नाव सबको डरा के नाव पानी में गिर के वापिस चढ़ के ऐसे जाना है या बैठ जाना की कि ठीक है भाई धीरे चल रही है तो भी कोई बात नहीं पहुँच जाएगीवरी वन वेलकम टू थिंक लाउड क्या आपको भी ये लगता है कि वी एफ एक्स और थ्री डी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं एंड इनको सीखना बहुत मुश्किल है बहुत ही पैसा लग सकता है इन चीज़ों को सीखने में देखो ऐसा था लेकिन आज हमारे गेस्ट हैं इनकी वजह से ऐसा अब नहीं रहा क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इनके थ्रू वी एंड थ्री डिजाइनिंग कलर ग्रेडिंग वीडियो एडिटिंग ये सारी चीज़ें सीखी है सो so, आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो है दृष्टिकोण प्रोडक्शन से निर्देशक राव ये पिछले दस साल से वी एफ एंड ग्राफिक डिजाइनिंग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं एंड अपने यूट्यूब चैनल पर सिखा भी videos, रहे हैं पूरी मास्टर क्लास वीडियोज़ पूरे कोर्ससेज इन्होंने फ्री में अपलोड कर रखे हैं ऑल्सो ये फ्रीलैंसिंग भी करते हैं तो इनके पास बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज है फ्रीलैंसिंग का वीडियो एडिटिंग का या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का क्लाइंट वर्क का इन सारी का जो कि इन्होंने इस पॉडकास्ट में शेयर किया है so सो अगर आप भी कुछ क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर सेट करना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर से सुने क्योंकि यहाँ पर बहुत इन डेप्थ नॉलेज कुछ राव सर ने आपको दी है सो so बहुत ही मज़ा आने वाला है एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट सो so, आज हमारे साथ है दृष्टिकोण प्रोडक्शन से वन एंड ओनली राव सर तो जिनको आप दृष्टिकोण प्रोडक्शन में देखते बहुत टाइम तो कैसे हो सर आप कैसा लग रहा है आपको हमारे चैनल पे आके बहुत बढ़िया लग रहा है अच्छा लग रहा है इतनी इज्जत अफजाई हो रही है किसी ने मुझे मान बख्शा है मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे आप मुझसे रहे फर्स्ट टाइम मिल हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड मेरे बहुत <laughs> सारे सवाल थे आपसे लेके सबसे पहला सवाल तो यह कि आपकी एज कितनी है कट मैं स्पॉन्टेनियस हूँ अच्छा ठीक है ठीक है चलो सो आप वी एफ एक्स करते थे पहले मेरे ख्याल से ज़्यादातर अभी आप थोड़ा सा कलर रीडिंग में भी आ चुके हो हुँ, और सिनेमाटोग्राफी हो रही सची है तो कैसे आपने स्टार्ट किया वी एफ एक्स कब स्टार्ट किया आपने वी एफ एक्स भी मैंने वैसे बाद में किया अच्छा पहले मैंने सबसे पहले एनिमेशन शुरू की थी री डी एनिमेशन मैंने फर्स्ट चीज़ जो है वो की उसके बाद मैंने वी एफ एक्स शुरू किया आफ्टरवर्ड्स उसको और इम्प्रूव करने के लिए अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को फिर मैंने लास्ट में कब कब स्टार्ट किया आपने सब कुछ सीखना मुझे मोर देन टेन ईयर्स हो चुके हैं इंडस्ट्री में काम करते हुए स्टडीज खत्म करते आपने ये सब हाँ मैंने स्टडीज़ ख़त्म करते ही ये सब में मैं आ गया था और कहाँ से सीखा आपने मैंने देखो मोस्टली तो सच बताऊँगा यूट्यूब से ही सीखा है एक इंस्टीट्यूट था थर्टी फोर सेक्टर में चंडीगढ़ में मैक मैक नहीं मैक की फीस बहुत ज़्यादा थी हुँ. तो मैक में तो हम गए नहीं तो मैं नाम नहीं बताऊँगा किसी का नाम क्या बदनाम करना <laughs> <laughs> तो एक मैं बेसिक्स इंस्टीट्यूट में गया वहाँ पर मैंने एनिमेशन सीखी हुँ. तो मज़ा नहीं आया तो फिर वहाँ पर एक टीचर थे बहुत अच्छे देखो ये चीज़ हमेशा होती है सॉरी मैं थोड़ा सा डिटूर हो जाता हूँ बीच बीच में पर मैं ऐसी बातें कर दूँ तो वहाँ एक हमारे जॉन सर थे वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे तो एक आदमी मुझे बढ़िया मिला था उनसे मैंने काफ़ी माया का काफ़ी कुछ सीखा आ, बाकी जो है सब लोग अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं बट हाँ मुझे इतना अच्छा नहीं लगा तो बाद में मुझे उस टाइम पर यूट्यूब मिल गया था नया नया आया था यूट्यूब और बड़ा ही बेकार स्पीड का नेट होता था बफर कर कर के करके फिर मैं वीडियोज़ देखनी शुरू की और मैंने कॉम्पिटिशन में बहुत पार्टिसिपेट किया उस टाइम पे अच्छा तो अभी आजकल पता नहीं बच्चे करते हैं इतना है नहीं बस कोर्स करते हैं और इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं सीधा तो उस टाइम पे हम हम बहुत कम्पीट करते थे तो ये थ्री के चैलेंजेस हुआ करते थे उसमें वर्ल्ड ओवर से आर्टिस्ट आते थे और फॉरम्स हुआ करते थे उस टाइम पे तो फॉरम से बात होती थी आप एक आर्ट बना के दे रहे हो पंद्रह पंद्रह दिन चैलेंज चल रहे हैं आपने फॉरम में आर्ट डाली है फर्स्ट डे और लोग उसके ऊपर क्रिटिक कर रहे हैं डे वन से ही बाकी के जो कम्पीटर हैं वो सारे बड़ा अच्छा उसमें ना लेन देन होता था ज्ञान का तो कोई रशियन आर्टिस्ट है कोई फिलीपींस का है मैं इंडिया से हूँ हम आपस में एक दूसरे के काम को देख रहे हैं क्रिटिक कर रहे हैं इससे बहुत हमने लर्न किया तो कुछ वो मुझे सिखाते थे कुछ मैं उन्हें सिखाता था तो ये जो बैक एंड फोर्थ ऑफ नॉलेज हुआ उससे मुझे लगता है मेरी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई और मैं मैं बेधड़क ना लोगों को मैसेज कर देता था अच्छा एक ये मेरी मतलब ये हमेशा रखना चाहिए कि मैसेज अब मुझे बहुत बच्चे मैसेज करते हैं ठीक है मैं जवाब दे देता हूँ उनका रिप्लाई कर देता हूँ तो वो बच्चे खुश होते हैं अरे सर मैंने उम्मीद नहीं की थी अब जवाब दोगे जब जिसके पास टाइम होगा वो आंसर हमेशा करेगा तो आप पूछ लिए करोगे इससे भी मैंने तो सीधा जेफ जेफल्यू को मैसेज कर दिया था जेफ ल्यू मैं बताता हूँ आपको पता नहीं होगा शायद कौन है ट्रांसफॉर्मर स्पाइडरमैन जितनी भी फिल्में आपने बड़ी देखी है ना पुरानी सब में एनिमेशन जेफ जेफल्यू करते थे अच्छा तो उस आदमी को मैंने डायरेक्टली यूट्यूब पर मैसेज कर दिया था कि चैनल पर मैं अगर नहीं करता रिप्लाई नहीं करेगा कोई बात नहीं बट वो बंदे ने मुझे रिप्लाई किया मैंने उससे एक दो चीज़ें पूछी कि माया के अंदर जो है किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं अपने करेक्टर एनिमेशन को उन्होंने मुझे आंसर बताया कि ये वाला प्लगइन भी आप यूज कर सकते हो रीडक्स नाम से इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग बड़ा मैं खुश हुआ था उस टाइम पर तो आप मैसेज किया करो लोगों को बड़े से बड़ा आदमी हो मतलब आपको हॉलीवुड सेलिब्रिटी ने रिप्लाई कर दिया यहाँ तो लोग इंडिया वालों को नहीं करते मैसेज देखो यार ये ना इंडिया वालों की बात या बाहर वालों की बात नहीं है बाहर भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो नहीं करेंगे रिप्लाई ठीक है ना यहाँ भी मिलेंगे जो नहीं करेंगे और जिसका रीज़न ये नहीं होता कि वो बंदा रिप्लाई नहीं करा तो ईगोइस्टिक है कुछ है आप ये देखो जो आदमी स्पाइडरमैन की एनिमेशन कर रहा है ट्रांसफॉर्मर्स की एनिमेशन कर रहा है कितना टाइम होगा उसके पास लाइफ में तो उसको अगर टाइम मिला तो उसने, तो उसने रिप्लाई कर दिया दैट इज ग्रेट अभी किस्मत अच्छी थी और अगर नहीं मिलता टाइम तो नहीं भी आता रिप्लाई तो मैं भी अपनी तरफ से ऐसे कोशिश करता हूँ कि सब लोगों को रिप्लाई करूँ जो मुझे करते हैं बच्चे किसी का अगर मिस हो जाता है तो दोस्तों ये बात नहीं है कि भाई करना चाहता है बिजी होते हैं बहुत अभी भी मैंने आपको बताया था रात को मैं पूरी रात जगा अभी फॉर प्रोजेक्ट वैसे मैं चाहता नहीं कभी भी जागना मेरे को लगता है सुबह उठना चाहिए और यही मैं रूटीन रखता हूँ बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रातों को भी जागना पड़ता है तो टाइम कैसे रहता है इनका में फिक्स तो ऑल नाइट ऑल डे वाला काम है रीज़न वो भी है ना कि आपके तो क्लाइंट तो है कहाँ पर आपका फॉरन गोरा वहाँ पे जागा हुआ है रात को साथ काम करना पड़ेगा तो या तो वो दिन में वो उसकी रात में जाएगा <laughs> या आप <laughs> पर वो क्लाइंट वो क्यों जाएगा <laughs> हाँ वो क्लाइंट वो क्यों जाएगा <laughs> तो कितना फर्क आया लर्निंग प्रोसेस मतलब जब दस साल पहले आप यूट्यूब से सीखते उस टाइम में मेरे ख्याल से क्रिएटर भी बहुत कम थे अभी तो बहुत सारे क्रिएटर आ चुके हैं बहुत अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं हाँ ये देखो ये डेफिनेटली आसान हो गया थोड़ा आसान है क्योंकि अभी जो मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आप ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ रिजॉल्व सिखा रहा हूँ अगर मैं रिजॉल्व सिखा रहा हूँ तो मैं विद टेन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सिखा रहा हूं जो प्रॉब्लम्स मुझे आई वो सारी प्रॉब्लम्स को आपने अगर मेरे ट्यूटोरियल्स देखे हूँ तो आपको आपने नोटिस किया होगा कि मैं सीधा सोल्यूशन नहीं बताता मैं पहले कहता हूँ कि अगर आप ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाएगा ठीक है तो इससे बचने के लिए आप ये करोगे तो मैं वो प्रॉब्लम भी बताता हूँ जो इसके साथ में आती है ठीक है तो उससे आपको क्लैरिटी पूरी हो जाती है कि अच्छा ये करने से ऐसी प्रॉब्लम आती है कई बार क्या कई ट्यूटोरियल्स में मैंने देखा है लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली सोल्यूशन बताते हैं बीच में आने वाले इश्यूज को स्किप कर देते हैं। क्यों देखें ये नहीं बताते कि भाई क्या रीजन हो सकता है हाँ, तो कई बार, बार, बार लोग फिर वो उस स्टेप तक पहुंचते नहीं है बीच में गड़बड़ कर देते हैं और मुझे फिर इस तरह के मैसेज बताते हैं कि मेरा तो यहाँ पे वीडियो दिखाई नहीं दे रही है मतलब बेसिक नहीं आ रहा कि मतलब तूने भाई डिसेबल की हुई है वीडियो आग का बटन दबा दे तो बेसिक से लेके एडवांस तक सारा क्लियर होना चाहिए ये मैं मैं आपका सवाल ही भूल गया और देखो यहाँ से वहाँ पे आ गया <laughs> पूछा क्या था आपने मुझे वो भी किया था <laughs> जस्ट पूछा था कुछ भी आपसे तो अभी के टाइम में मतलब आपने वैसे कौन से चैनल देखे उस टाइम पे उस टाइम पे कौन थे ऐसे लोग जो यूट्यूब मैंने बताया ना आपको फॉरम्स में जाते थे हम एक सिजी तंत्रा नाम का फॉर्म होता था फॉर्म नहीं फॉर्म तो उसमें वो पता नहीं वो कौन चलाते थे आदमी मुझे ग्रीन कलर की डक बनी होती थी लेजेंड था उस टाइम पे उस चैनल को चला रहा था उसके ऊपर कॉम्पटिशन थ्रो करते थे वो लोग और प्राइजेज रख देते थे मोस्टली uh, तो मनी प्राइज या वो इस तरह के कुछ आपको गेम के वो मिल जाएंगे मतलब ऑब्जेक्ट्स uh, uh, सब और क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स और ये सब चीज़ें मिल, मिल जाती थी मिल जाती थी थैंक यू <laughs> वर्ड नहीं तो मांगे <laughs> तो वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा लर्निंग हुई और यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल तो मैं फॉलो नहीं करता था बट मैं काम करते हुए जो प्रॉब्लम आती थी तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे डाल देता था कि मुझे ये कैसे फिक्स करना है तो जो भी मुझे वीडियो दिखता था फिर मैं उसके थ्रू सीख लेता था तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जितने क्रिएटर्स हैं उस टाइम पे इंडियन क्रिएटर नहीं थे कोई भी बहुत कम लोग थे इंडिया में था था ही कोई नहीं नहीं उतना कोई मैं मुझे लगता है इंडिया में शुरुआती टूटोरियल मैंने ही डाले होंगे उस टाइम पे आपको पता नहीं है मैं ऐसे कब टूटोरियल डाले थे मैंने जब मैं दो हजार नौ दस में पता नहीं उस टाइम पे मैंने टूटोरियल डाला हुआ है तब तो किसको पता था नहीं, में ते, तेरा में, वाला, दो हजार दस से तेरह के बीच में ट्यूटोरियल्स मैंने डाले इंग्लिश में डालता था तब क्योंकि वो हमारी ऑडियंस के लिए उस टाइम पे थे टू बी मैंने उस टाइम पे क्या ट्यूटोरियल डाला था आप गैस भी नहीं कर सकते हैं आपको बता देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्राउड सिमुलेशन कैसे करें मैक्स में का नाम लोगों ने आज सुना है मैं दो में ए का ट्यूटोरियल बना करके डाल रहा था आपको मैं स्क्रीन दे दूंगा उसका ढूंढ के अपने दृष्टिकोण वाले चैनल से अगर आपको एडिट में डालना हो तो दिखा सकते हो उसकी वहाँ पे डेट होगी जो भी है मुझे पता नहीं दस है ग्यारह है बारह तेरह बट हाँ दस साल पुरानी बात है तो उस टाइम पे वो ट्यूटोरियल मैंने डाले थे तो बेसिकली मैंने इंग्लिश के शुरू किए थे शुरुआत में आफ्टरवर्ड्स फिर मैं थोड़ा बिजी हो गया बीच में मैंने गैप ले लिया काफ़ी उसके बाद मेरे को लगा जब मेरे टाइम थोड़ा लगा कि अब मुझे नॉलेज शेयर करनी चाहिए दोबारा तो मैंने ये हिंदी ट्यूटोरियल शुरू किया क्योंकि बच्चों के साथ मुझे जो फेस किया था मैंने मैं चाहता था कि लोग ना करना पड़े लोगों को फेस तो so, आप क्लाइंट वर्क के साथ साथ टोटोल्स कैसे मैनेज करते हो सर कहाँ मैनेज हो रहे हैं लोग कहते रहते हैं अगला कब आएगा ये कब आएगा अब देखो आज मैंने वीडियो डालनी थी आज मैं यहाँ बैठ गया आके ठीक है ना अब ऑब्वियसली मुझे <laughs> आपको भी मना नहीं कर सकता था है ना ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है तो अब आज वाली वीडियो फिर रह गई बट मैं कोशिश करूँगा मैं देखो फिर हमेशा मेरे ना वादे वो हो जाते हैं कोशिश करूँगा जल्दी डालने की डेट नहीं मैं दे सकता नेक्स्ट वीडियो ए आई पी आएगी बैठे अच्छा

तो उन्होंने बताया कुछ तीन लाख कुछ फीस थी तो मैंने छोड़ के वापस आ गया एक जो इशू है फीस का है दूसरा अफोर्ड नहीं कर पाने का एक ये रीजन भी कई लोग ऐसे गाँवों में रह रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट हाँ, तो पहुंच गया है वहाँ पे बट है ही, ही, ही है। नहीं कुछ भी ठीक है ना तो सोर्स ही नहीं है कोई इस वजह से मतलब सबको एक मौका तो मिलना चाहिए ना तो ये नॉलेज मैंने इस तरह का पैकेज कोर्स इसलिए बनाए थे मुझे कोई मतलब नहीं उस पर आ, आ भी रहे हैं वैसे अभी वो लॉन्ग टर्म बट बट जितने भी व्यूज आए हैं मुझे उसके बाद में जो लोगों के कमेंट और मैसेज इंस्टाग्राम पर आते हैं ना कि सर आपकी वजह से मेरी जॉब लग गई वो उससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं होती ठीक है आपने एक ऐसा पैकेज कोर्स अगर उसमें मैं इसलिए आपने नोटिस किया होगा मैं इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल बहुत रेयरली बनाता हूँ मैंने पूरा कोर्स ही बना दिया ठीक है अब आपको प्रीमियर प्रो आ गया है तो प्रीमियर में जो भी हो सकता है अब आप वो चीज़ कर लो उसके बाद बच्चे मुझे मैसेज करते रहते हैं कि ये वाला इफेक्ट कैसे बनेगा वो वाला इफेक्ट कैसे बनेगा इस किसी भी लोगों के टूटोरियल भी भेज देते हैं कि ये टूटोरियल है इस आदमी का आप यही टूटोरियल दोबारा बना दो मैं कहता हूँ इसका क्या लॉजिक हुआ कहते हैं आपका समझाने का तरीका अच्छा है मैंने कहा तो मैंने जो पहले समझाया था तो वो समझ नहीं आया क्या पूरा कोर्स तो करवा दिया ये चीज़ आप उन्हीं टूल्स से बना सकते हो तो क्रिएटिविटी अपने अंदर भी थोड़ी जागृत करनी चाहिए ठीक है अगर आपको एक चाकू चलाना बता दिया गया ठीक है उस चाकू से आप गाजर भी काट सकते हो ये मैसेज मत करो कि अब टमाटर काटने बताओ अब आलू काटने हो बताओ इससे आप दिखाओ गाजर कैसे काटना अब मैंने काटने का ट्यूटोरियल बना दिया ठीक है ना तो वो आगे आपका काम है फिर आप किसी को चाकू मारो या उससे आलू प्याज काटो वो <laughs> <laughs> आपकी मर्जी है ठीक है चाकू आपको बता दिया पकड़ना कैसे चाकू मत मारना किसी को ठीक है ना चाकू सिखाएगा आपने अपने चैनल पे चाकू कोई बना देते हैं चलो अब आप कह रहे हो तो मैं इफेक्ट्स के बनाता नहीं हूँ कोई पर्टिकुलरली कहीं लगेगा एग्जाम्पल देने के लिए तो दे दूंगा ज़रूर <laughs> आपको याद करते हुए सो <laughs> so, uh, जब जिस टाइम आपने स्टार्ट किया था उस टाइम पे ग्राफिक्स का इतना काम था आगे मार्केट में मतलब क्लाइंट उतने मिलते थे कोई काम नहीं था तो फिर आपने क्यों वो काम किया ऊपर से आप जिस जगह पे हो चंडीगढ़ एरिया में तो कुछ नहीं बिल्कुल ही काम नहीं था मैक्स टू मैक्स मैक्सिया म्यूज़िक वीडियो बनती है बस म्यूज़िक वीडियोज़ तो तब भी बन रही थी बट तब मैंने एनिमेशन सीखी थी थ्री एनिमेशन और म्यूजिक में वीडियो थ्री डी एनिमेशन नहीं होती थी, थी। क्योंकि लोग समझ नहीं आती थी। क्यों क्यों सिखाओगे आपको लगा कि मतलब ये इंडस्ट्री में जाना चाहिए बड़ी अजीब बात है वैसे ये कि मुझे शायद पहले से ही पता था इनफैक्ट इतना पहले से पता था कि जैसे फोर्थ फिफ्थ क्लास में मैंने कोई उस टाइम पे स्टार वर्ल्ड आया था नया नया हमारे टीवी में लगा था वो पता नहीं है किसी के घर पर देखा था मुझे याद भी नहीं ठीक से धुंधला धुंधला याद है मेरे पास डीडी वन डी डी टू आता था वो छोटा टीवी होता था एक तो कहीं पे मैंने स्टार वर्ल्ड पे एक मेकिंग देखी किसी मूवी की आ, एबिस आई थिंक वो मूवी थी मैंने आज तक तो मूवी भी नहीं देखी हॉलीवुड की मूवी एबिस उसमें वो वाटर सिमुलेशन टाइप की हो रही होती है तो वो वो क्रीचर उन्होंने बनाया था मतलब वाटर एक फॉर्म्स ले रहे हैं उसकी मेकिंग थी उसमें उन्होंने एक शॉट में दिखाया कि पीछे वो थ्री में जैसे लैम्बर्ट में ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है वायर फ्रेम दिखाया उसका तो मेरा दिमाग हिल गया कि अच्छा ये चीज मतलब ये सब कंप्यूटर से नकली बना हुआ है तो वहाँ पे hmm. वो वर्ड उन्होंने बोला कि हैज क्रिएटेड बाय हेल्प ऑफ एनिमेशन तो एनिमेशन वर्ड मेरे दिमाग में फिट हो गया क्लास तो, हाँ मतलब स्कूल में पूछ रहे थे कि कौन बड़े हो गए क्या बने सब लोग आधे से ज्यादा तो बनना जाते बनना चाहते हैं डॉक्टर तो कोई भी, भी नहीं है कोई डॉक्टर तो चलो बन जाते हैं फिर भी लोग हैं तो स्पेस में नासा चले जाना है ठीक है तो सबको नासा जाना होता था पहले तो मेरा भी मन था बट उस टाइम तक मेरा क्लैरिटी मुझे मैंने वहाँ पे बोला मैं एनिमेटर बनूंगा तो आदमी तो समझ ही नहीं आया तो क्या बोल दिया इसने बेटा लेमिनेशन करोगे <laughs> लेमिनेटर बन गया मैं कह नहीं 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 लेमिनेशन नहीं एनिमेशन करेंगे तो वो स्टक हो गया वहाँ पे फिर उसके बाद में बढ़ते बढ़ते आगे वो चीज़ मैं भूल गया वो टाइम के साथ में फिर नॉन मेडिकल कर लिया इंजीनियरिंग कर ली एम कर लिया सब मतलब बदलता चला गया इवेंचुअली वो थर्टी में घूमते हुए बोर्ड देखा मैंने ये एनिमेशन एनिमेशन वाला वो मेरा बचपन का कनेक्ट हो गया मैंने कहा ये चीज़ कर सकते हैं भारत में तो फिर तो करी जाएगी तो फिर पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्टिव थे ये मैं कहूँगा गिफ्ट है भगवान की तरफ से ऐसे माता पिता मिलना जो सपोर्ट करें इन चीज़ों के लिए क्योंकि बहुत बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते पहला पहले घर से मिल जाता है फिर थोड़ा हाँ। सा है चीज़ें तो यही मेरे को सपोर्ट था ठीक है क्योंकि मुश्किल है यार अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है एम कर रखी है आप एक मतलब कंफर्टेबल सिचुएशन में आप जॉब भी कर रहे हो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के और फिर ऐसा कोई चेंज करना पड़ा थोड़ा रिस्की तो होता ही है सपोर्ट तो चाहिए उसके लिए बट इवेंचुअली चलो थिंग्स वर्क आउट बट वो तो आपका बचपन का वो था लेकिन जब आप मतलब जब आपने एम कर लिया फिर आपको थोड़ी समझ आ गई होगी दुनिया की रियल वर्ल्ड की हुँ. पर उसने उस टाइम पे आपने देखा होगा मतलब इसमें जब ऑडियंस ही नहीं है इस चीज़ की दुनिया तो की तो अभी भी समझ नहीं आई <laughs> <laughs> नहीं मतलब जब इस काम की उतनी डिमांड नहीं है इंडिया में फिर आपने सोचा नहीं कि मतलब इसका फायदा क्या सीखे डिमांड तो हाँ ये मुझे थोड़ा क्लैरिटी हुई थी इन चीज़ों की कि डिमांड ना हो तो डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है आपको ठीक है ना आप आपने कोई स्किल है आपके पास जो कोई और नहीं कर रहा और आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वो चीज़ हो भी नहीं रही तो आप एटलीस्ट उसको बेचने की ट्राई तो कर सकते हो ना कि आप बस उस चीज़ हाँ मनोबली हो गई एक तरह से इस चीज़ की और उसके बाद में भी थिंग्स हमेशा दे डोंट वर्क आउट ठीक है तो आप फिर आप फिर ये देखो कि चलो आपकी सिचुएशन देख लो आपके पास में लोग ऐसे हैं जिनको आप जब एनिमेशन मैंने बहुत लोगों को समझाया कि एनिमेशन करवाइए ठीक है म्यूजिक वीडियो में भी डालिए तो कॉमन चीज़ होती थी क्योंकि लोगों को लगता था कार्टून है ठीक है तो ये कार्टून थोड़ा सा बनाना है हमने तो हाँ हम ब्लॉक बस्तर चीज़ बनानी है ठीक है तो इसलिए लोग उसमें आते नहीं थे उस चीज के अंदर इसलिए मेरे को समझ में आया कि लोकली तो नहीं हो रहा इंटरनेट नया नया आया था मतलब जैसे आजकल तो आप लोग ईजिली एक्सेस फ़ोन पे है सब कुछ बहुत आसान से देख लेते हो उस टाइम पे नया नया था स्पीड कम होती थी बट मुझे कुछ साइट्स वगैरह मैंने देखी फ्री लांसिंग साइट उस टाइम पे तो मैं बता भी देता हूँ नाम गुरु डॉट कॉम एक वेबसाइट थी ठीक है उस पर अभी तक मेरा अकाउंट ये सब नहीं चलता है उस टाइम पर फाइवर ये सब अपवर्क तो उस टाइम पे कुछ और नाम होता शायद यानी ई लांस फ्री लांसर होती थी एक, एक गुरु होती थी अपवर्क नाम ही नहीं था उस टाइम पे शायद इसका नाम ई लांस था या कुछ पहले कुछ और नाम होता था आई थिंक इसका तो ये बाकी ये फाइबर तो उस टाइम पे बिल्कुल ही नाम ही नहीं पता था ठीक है तो इन जो भी दो चार वेबसाइट्स थी इनके ऊपर प्रोफाइल बना के यहाँ से मैंने शुरू किया बहुत बहुत टाइम तक तो प्रोजेक्ट ही नहीं आया था कोई फिर इवेंचुअली प्रोजेक्ट आया एक महीना काम किया उस प्रोजेक्ट के ऊपर दिन रात जाके कितना पेमेंट होगी सोचो मतलब फ़ौरन क्लाइंट था क्लाइंट इंडियन था फिर तो वो काम फॉरेन से था वैसे बट क्लाइंट इंडियन था आठ दस हज़ार तो होने चाहिए वैसे पाँच हज़ार रुपये पेमेंट थी और वो इससे वेबसाइट यूज़ करनी नहीं आती थी तो काम बना के दे दिया पाँच हज़ार रुपये नहीं दिया भाई ने मतलब <laughs> भाई <laughs> तो फर्स्ट फर्स्ट वर्क एक्सपीरियंस ये था तो इससे कभी भी निराश नहीं होना ये कौन सा इस कैमरे में बोलूँ किस में बोलूँ इस, इस बात से कभी भी निराश मत होना कि पहले काम में जैसे मैंने तो एक महीना लगाया दिन रात जाके पाँच हज़ार रुपये जो थे वो भी नहीं आए तो डीमोटिवेट अगर हो जाता अभी मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ बहुत अच्छे से मेरा सब कुछ चल रहा है तो डीमोटिवेट कभी नहीं होना इस तरह से ही लर्निंग होती है ये इम्पोर्टेंट इस बात से ये सीख सकते हो आप और ये एक काम नहीं था ऐसे बहुत काम हुए हैं जिसमें पैसे लाखों रुपया जा चुके कोई प्रॉब्लम नहीं है

पहला हमारे देखो पूरी फैमिली में मेरे तो कोई सारे टीचर हैं तो, तो किसी ने ऐसे ओवरसीज बिजनेस तो किया ही नहीं था मतलब तो, किसी पेमेंट बाहर से आई बाहर से डॉलर रुपए में कैसे करना है उस टाइम पे चैलेंजिंग चीज थी है. अब, अब तो तो कर लेते हैं सब लोग इजीली बट तब कोई बताने वाले नहीं था पूछे किससे मुझे मेरे पास तो कोई बंदा भी नहीं था अब तो जैसे कोई मेरे स्टूडेंट पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ मैंने बहुत लोगों को लो बताया भी है ठीक है बट तब कोई था नहीं तो सब इंटरनेट पर ही जितना गलतियां करके या सर जैसे भी सीखे हैं इस तरह से हमने वो सब मैं वैसे ही समझता हूँ जिस भी टाइम पे आप हो ना वो टाइम पे जो आपको टैक रही है वो वही बेस्ट है ठीक है टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है वैसे जैसे आजकल लोग बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं क्योंकि इंटरनेट है ऑडियंस ज़्यादा है वहाँ पर उस टाइम पर क्या पता आपके पास ज़्यादा स्किल हो लेकिन आपको फिर भी टाइम ज़्यादा लगता उतने ही इसके टैक के नुकसान भी है ना डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आप ये बताओ कितने लोग बैठ के एक्चुअली काम कर रहे हैं और मैं ये तो चाहता हूँ जो काम करने वाले भी हैं क्रिएटिव लोग भी हैं आप मैं भी हैं

नहीं फिर भी आपकी आ जाती है आपके चैनल भी बहुत सारी वीडियोज़ है मैंने देखी मतलब हाँ वीडियोज़ अब काफ़ी हो गई हैं क्योंकि बहुत टाइम से डालते कब से डाल दस साल से डाल आप नहीं वो पहले मैंने बताया ना शुरू किया था फिर बीच में बंद कर दिया था फिर तो दोबारा रिवाइव किया बीच में तो यार पता नहीं क्या हमने स्पूफ वगैरह वीडियोस क्रिश की पैरोडी बना ली ऐसी वो हमारी वीडियोज ज़्यादा चली थी बल्कि अब दस लाख व्यू टपे हुए उन चीज़ों के पढ़ाई वाली चीज़ में लोग कम देखते हैं उसका रीजन भी है ना कि सीखना बहुत कम लोग चाहते हैं मतलब लोगों को एंटरटेनमेंट देखना आपकी वीडियो देख ली हाँ, वाली हाँ कम लोग सीखना पर एक्चुअली सीखना कम लोगों का ये ऐसी थोड़ी सी छोटी चीज है बट चलो जिनको सीखना है उन तक तो पहुँच रही है चीज़ ये भी अच्छी बात ये बड़ी बात है कि पास एटलीस्ट वो ऑडियंस जो सीखना चाहती है नहीं नहीं इस चीज़ के लिए आपको भी बहुत बहुत मैं ऐसे मुबारकबाद दूंगा कि आप इतना अच्छा काम करें हाँ ये नॉलेज शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिखा नहीं मैं बस अपना एक्सपीरियंस थोड़ा ये सखाना ही है

एक्सपीरियंस सेंटर बनाया था उन्होंने वहाँ पे एक रिवर बनाई थी उन्होंने द्रव्यवती नाम से तो उसकी पूरी बिल्डिंग का जो है थ्री मॉडल हमने क्रिएट किया था और वॉक थ्रू बनाया था तो वो बहुत ही मासी प्रोजेक्ट था क्योंकि उससे पहले तक मैंने कोई आर्किटेक्चर के नाम पर अगर चीज़ देखी थी तो वो ये थे नॉर्मल फ्लैट्स और बिल्डिंग्स के लेआउट जो होते हैं ठीक है एक्सपीरियंस uh, सेंटर अपने आप में बहुत बड़े एरिया में फैली हुई चीज़ होती है तो उसकी जब मेरे पास ड्राइंग्स भी आई थी तो वो ड्राइंग्स ऐसी थी कि वो स्क्रीन पे खोल करके तो समझ ही नहीं आ रही थी उसको इतना जूम करना पड़ता था बट जूम कर दो तो फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी जो उसका बाउंड्री है वो समझ आती थी तो लिटरली उनके हमको प्रिंट करवाने पड़े थे और प्रिंट करके मैंने ऐसे जमीन उड़ बिछा के मतलब पूरे उसमें से स्टूडियो में फैला दिए थे <laughs> और वो चल चल के देखना पड़ता था यहाँ से वहाँ तक <laughs> तो सोचो उसका एक्चुअल ग्रैंड स्केल कितना होगा तो वो प्रोजेक्ट काफ़ी चैलेंजिंग था और टाइम भी उसके लिए बहुत कम था आई थिंक एक महीने में हमने वो सारा कवर किया था क्या सिस्टम यूज़ करते हो आप ऐसे ये सब बनाने के लिए क्योंकि तो बहुत ही हैवी लगता होगा उसमें तो ग्राफिक्स वगैरह कंप्यूटर की बात कर हाँ तो सिस्टम तो यार वही है जैसे जैसे धीरे धीरे अपडेट हुए हैं पहले तो इतने सॉलिड सिस्टम नहीं थे मैंने फर्स्ट सिस्टम तो मेरे ख्याल से तब तो ये आई वाई थे भी नहीं यार पेंटीएम फोर होता था। पेंटियम फोर। <laughs> <मैं>, अब, <laughs> उसमें भी थ्री काम हो जाता था क्या अरे मैंने थ्री डी मैक्स चलाया हुआ टू फिफ्टी सिक्स एम बी रैम पे जबकि मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी पाँच सौ थी मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं और हो वो गया। चल गया वो चलता था ऐसे कुछ आई थिंक ढाई मिनट ऐसे कुछ चलता था उसके बाद क्रैश मार जाता था तो मैं उस ढाई मिनट के अंदर कुछ फटाफट बनाता था सेव मारता था फिर वो क्रैश होता था फिर सेव फाइल खोलता था फिर ढाई मिनट में कुछ बनाता था <laughs> तो जो लोग अभी रोते हैं ना इस चीज़ के लिए कंप्यूटर मेरा है वो बहाने हैं मैं सीधी बात कहता हूँ सही बात है जिसको सीखना वो कर लेगा कुछ कुछ हाँ नहीं उस क्वालिटी का नहीं आ रहा जिस क्वालिटी का आ सकता है उस क्वालिटी का करो ठीक है ना दिमाग लगाओ कि मेरे, मेरे मैं उससे हैवी लाइटिंग नहीं कर सकता तो मैं क्या करूँ कि मेरी जो चीज़ें मतलब सेटिंग ऐसी बनाओगे ना आप बेसिक अब वो सी झेल ले लोग मुझे भेजते रहते हैं उनकी मेक जोक ऑफ की वीडियोस कि ऐसी एनिमेशन करना सिखा दो तो अब जो प्रोफेशनल लोग हैं वो हंसेंगे उस चीज़ के ऊपर कि ये क्या है तो गंदा सा बट एक मीडियम तो है ना आप ओवरऑल चीज देखो उसने पैकेज ऐसे ही कर दिया उस चीज को कॉमेडी तो के साथ अपनी ऐसी डाल दी वो एक फनी कॉमेडी इज द मीडियम उसको एनिमेशन के साथ में उन्होंने जोड़ दिया ठीक है ना एक्चुअली एनिमेशन इज द मीडियम कॉमेडी के साथ उन्होंने उसको जोड़ दिया और आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया आपको ओवरऑल वीडियो अच्छी लगनी चाहिए मजा आया बस चीज़ इसको पसंद आ रहा है बस और क्या तो ये क्वालिटी के चक्कर में भी ज्यादा वो नहीं होना चाहिए जितना आपका कंप्यूटर आपको अलाउ कर रहा है जितनी आपकी टैक आपको अलाउ कर रही है मैं ये नहीं कर रहा क्वालिटी लो करनी है जानबूझ के जितनी टैक अलाउ कर रही है उतना हाइएस्ट जाओ पर रोना नहीं है इस बात को लेकर कि यार मेरे पास तो थ्री जीरो नाइन जीरो नहीं है मेरे पास भी नहीं है थ्री जीरो नाइन जीरो मैं भी थ्री जीरो एट जीरो पे कर रहा हूँ ठीक है पर वो भी नहीं है बहुत लोगों का भी पता है नहीं है सबके पास तो चाहे आई टी एक्स कार्ड ना हो जी टी एक्स भी बहुत पुराना हो डजेंट मैटर आपका कंप्यूटर चल रहे हैं ऑन होता है सॉफ्टवेयर खुल जाते हैं तो आप कुछ कर सकते हो ठीक है ना पुराना थ्री डी एस मैक्स भी आप कर सकते हो तीन चार जो वर्जन दो सौ छप्पन एम बी रैम के साथ में दो हाइडा मेड चला के करना हो तो वो भी मिल जाते हैं इंटरनेट पे पुराने वर्जन मिल जाते हैं हमारी पेशेंस ज़्यादा है पुराने वर्जन पे काम करने वाले लोगों की क्योंकि आपका अगर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है तो आप लोग पैनिक कर जाते हो लेकिन आपको पता है कि चलो कोई ओढ़ देते थे, थे बट माउस छोड़ के चाय भी के आते थे मैं तो सिस्टम बंद कर देता सर हैंग हो गया तो तब तक भी वो हैंग होता था एक और चाय भी जाते थे तब तक वो चल जाता था मैं तो सोचता हूँ जैसे अगर सब हैंग हो गया ना देखा दो मिनट नहीं हो रहा बंद कर दो पूरा ही हाँ यही ये थोड़ी पेशेंस कम हो गई है अब धीरे धीरे कई बार आप जिस टाइम क्रैश करते हो ना उसको उसके वो दो चार सेकंड बाद ही होने वाला होता है बट कोई बात नहीं ये भी ठीक है क्योंकि जल्दी खुल के जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं तो कोई बात नहीं करना चाहिए क्रैश <laughs> समय के साथ बदलते रहना चाहिए <laughs> तो आप समय के साथ खुद को कैसे बदलते हो दस साल पहले इंडस्ट्री कुछ और थी उस कुछ और टाइप का काम होता होगा हाँ अपडेट रहना चाहिए देखो तो आप क्या अगर अपडेटेड ना होता तो आप बुलाते थोड़ा ना मुझे <laughs> कुछ नया करते रहता हूँ इसलिए बुला रहे हो ना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चीजें चल रही हैं है पोस्ट डालता हूँ तो बच्चे पूछते हैं आपको पूछता ए आई कुछ आने वाले मतलब हमें तो मैं तो खुद तो खुद मेरे को अभी एक डेढ़ साल पहले लगा कुछ ए आई है भाई कुछ क्योंकि चर्चे में भी आई है याई याई। चीज़ें तो ये मुझे क्या है तो पच्चीस तीस साल से काम हो रहे हैं चीजों का आप ये जो जो भी टैक है ना जो आप आज देख रहे हो जो नॉर्मल हो गई है अभी ये सब पे बहुत बहुत सालों से काम चल रहा है फर्स्ट आपने उसका नाम कब सुना था थ्री डी मूवी जो चश्मा लगा के हम देखते हैं अवतार वगैरह आई थी दो हजार नौ के आसपास तभी पता लगा था ना लोगों को थ्री डी थी राय थी उन्नीस सौ अस्सी से थ्री डी फिल्म टेक बनी हुई थी उस टाइम पे भी थ्री डी फिल्म आप देख सकते थे नाइनटीन एटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं किसी अच्छा। को नहीं पता था उस टाइम पे बात क्योंकि वो टेक अभी नॉर्मल कंज्यूमर के लिए अवेलेबल नहीं थी मतलब उस टाइम तो वो डेवलप्ड चीज़ थी उसको करते करते कि एक आदमी अपना नॉर्मली आप चश्मा पहन के बैठ जाए तो उस तक लाने में इतना टाइम लग गया ठीक है पहले वो थोड़ा डिवाइस बड़ी होती थी शटर ग्लासेस का कंसेप्ट होता था आप दो तीन तरह के थ्री डी चश्मे होते हैं अगर आपको चलो ऑफ टॉपिक हो जाएगा <laughs> मैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम है आप किसी भी टॉपिक पे बात करोगे तो मैं बोलता जाऊँगा कुछ ना कुछ उसके लिए आप सारी तीस तीस साल पहले से बनी होती हैं जो कंप्यूटर आप आज देख रहे हो बीस पच्चीस साल पहले सब उन्होंने पढ़ाई करके लैंड प्लान नहीं वो चीज़ बन भी चुकी थी अच्छा ठीक है ना प्रोटोटाइप बने होते हैं उस टाइम पे उसको अभी भी आगे के सिस्टम्स बने हुए हैं लेकिन आपको धीरे धीरे वो चीज़ें दी जाएंगी ठीक है ना ये जो चीज़ें होती हैं प्रोडक्शन वाली सामान जो बना उसको बेचना भी है ना ये भी हाँ जो अभी का बना हुआ वो फिर कहाँ जाएगा नया अपडेट आ गया तो फिर क्या सब पीछे वाला तो फिर वेस्ट हो तो जाएगा आसान हो जाएगा ना कितने लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं फैक्ट्रियाँ चल रही हैं सबकी सैलरीज जा रही हैं ये प्रोसेस है बहुत बड़ा हम एक बड़ी मशीन का हिस्सा छोटा सा पार्ट है ठीक है ना दिस इज बिजनेस और क्या पूछ सकते हैं मैं तुम्हारा कोई क्वेश्चन पूछ लो कुछ पूछना है तो मैं आपको ऐसे ही बोलता रहूँगा कुछ ना तो कुछ ही पूछो आपके जवाब आते रहेंगे मेरे जवाब आते रहेंगे कुछ नहीं पूछोगे तो भी आते रहेंगे आपको मुझे भगाना पड़ेगा नहीं नहीं, तो तो बोल नहीं नहीं। तुम तुम बोलते हो इतना कैसे बोल कैमरा में ही बोलता हूँ जरूरी है अच्छी बात है बिना बात के बोलना भी नहीं चाहिए नहीं बोलना चाहिए थोड़ी मैच हो रही है मैं भी इसलिए खुल के बात कर रहा हूँ

नहीं क्यों ऐसा लगा तो नहीं नौकरी करने के लिए पैसे कमाने के लिए तो अच्छा। मैंने कहा कुछ इनकम जनरेट करने के सोर्सेज क्या हो सकते हैं काम में कर रहा था ठीक है बट देखो काम का होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि मंथली से आपको इनकम का पता नहीं होता है। किसी महीने आपके पास पच्चीस हजार आए उस टाइम हाँ, हाँ, फ्रीलांस काम का है किसी महीने कुछ भी नहीं आया ठीक है तो एक रेगुलरिटी के लिए मैं इधर गया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये यहाँ पर गढ़वा में है तो वहाँ पे एनिमेशन होती थी उधर मैंने गेस्ट लेक्चर देने जाता था मैं हुँ. तो अपना मेरा बढ़िया उससे मंथली सेटिंग हो रखी थी तो हफ्ते में मैं मतलब एक महीने में चार लेक्चर दिया करता था हुँ. बड़े अच्छे और मुझे बच्चे मिलते हैं वहाँ पर वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो बेसिकली एक डेमो क्लास हुई थी उनके एक प्रोफेशनल चाहिए था जो गेस्ट लेक्चर आ जाए रेगुलर मुझे भी जाना नहीं था क्योंकि मुझे इतना पता था कि मैं रेगुलर जॉब तो नहीं कर पाऊँगा तो एक डेमो क्लास के अंदर वहाँ पर जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे जैसे हुनार बच्चे होते हैं ना आप बाकी लोगों से थोड़ा अपने आसपास वालों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो वो टीचर को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि कोई नया आया देखें इसको कितना पता है है ना हुँ, हुँ। तो दो तीन बच्चे थे ऐसे बड़े प्यारे बच्चे तो वो इस बैंट ऑफ माइंड से आए थे कि टीचर को आज <laughs> टीचर को आते, आते हैं और टीचर वहाँ पर ऐसा आया मेरे खुद के वैसे पोनी की हुआ और पीछे लंबे बाल वो ट्रिपल एच जैसे रखे हुए तो पहले तो देख वो कहते देख के सर ऐसे लगा कि ये कुछ तो बताएगा फिर मैंने बताया भी चीज़ें इम्प्रेस हो गए तो वही बच्चे जो टेस्ट करने आए थे वो मेरे बेस्ट स्टूडेंट बने बाद में और ऐसे बेस्ट बने कि गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट भी हैं अच्छा। और अपना काम कर रहे हैं बहुत अच्छा आज में तो वहाँ सी में मैंने हाँ काफ़ी टाइम वहाँ पढ़ाई करवाई थी और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मेम्बर भी था मैं में तो बेसिकली सिलेबस भी सेट करते थे हम जो एकेडमिक सिलेबस होता है ना काफ़ी मैंने जद्दोजहद की वहाँ पे कि थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाया जाए थ्योरी क्योंकि उसमें मतलब ज़रूरी है थ्योरी बट काफी ज्यादा फिर होती है मतलब इससे क्या मतलब बनाया था ये क्वेश्चन होते थे तो आगर आगर कि बनाना बना दिया अब अपना तो काम के पैसे मिलेंगे ना आपको जाके आपकी जॉब किस बेसिस पे लेगी काम कितना अगर आप काम कर दोगे वहाँ पे जाके तो बोलोगे सर मुझे पता है वॉल्ट डिज्नी ने उन्नीस सौ इतने में जिसमें मर्जी सन में बनाया उसने सोलह सौ में बनाया अठारह में बनाया उससे हमेंगा तू बना देगा वही मैटर वो मैटर करता है तो हाँ हमने काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस भी किए थे सिस्टम के अंदर तो वहाँ से आपने टीचिंग सीखी थी टीचिंग सीखी थी मतलब मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि आपने टीचिंग सीखा मतलब सिखाना क्यों स्टार्ट किया आपने सिखाना हाँ वहाँ से मैं टीचिंग में चला गया था ये जो रुचि थी तो जैसा बार... मैंने बोला मेरी फैमिली में भी सब लोगों ने किसी ना किसी पॉइंट पे टीचिंग में रहे हैं चाहे पिताजी हों ठीक है चाहे सारी फैमिली में दादाजी सब लोग कहीं ना कहीं उन्होंने किसी ने कुछ टाइम किसी ने ज़्यादा टाइम किसी ने लॉन्ग टाइम अभी भी फैमिली में जो है वो प्रिंसिपल वगैरह सब लोग हैं पढ़े लिखे लोग आप मतलब मतलब कह सकते हो तो ये भी इतनी देखो जेनेटिक भी चीजें होती हैं कुछ तो यह हो सकता है मेरे अंदर भी टीचिंग का गुण इसीलिए है आप जिस तरह समझाते हो मतलब लगता है जानते हैं क्योंकि मैंने बहुत टैलेंटेड लोग देखे हैं सुपर टैलेंटेड लोग जो अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते सिखा नहीं पाते बता नहीं पाते वो खुद बहुत जबरदस्त चीज़ बना देंगे बट वो कन्वे नहीं कर पाते अब मैं इतनी अच्छी चीज चाहे ना बना पाता हूँ लेकिन बट मैं बता पाता हूँ कि जितना भी बनाए ये कैसे बनाए वो चीज़ है वो गिफ्ट है आ, आपके कोई पेड कोर्सेज वगैरह भी, भी हैं पेड कोर्सेज़ मैं बनाता ही नहीं अभी तो कोई ऐसे मुझे बच्चे कहते रहते हैं बनाओ बनाओ वो अन अकेडमी वालों का भी एक बार आया था अभी जैसे उन्होंने लॉन्च किया कोई एक चैनल ऐसे वा एनिमेशन वाला इट्स कूनर करके एक लड़का है उसके साथ मिलके के हाँ हाँ एक लड़का का पता है हमको हम पता हमको है को? देखते हैं वीडियो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी मून नाइट वाली उसके अंदर उसकी बात भी की हुई है अच्छा हाँ हाँ जे एक्स रोसा की वीडियोज़ जो पहले फेमस हुई थी ब्राज़ीलियन अपना आ, एनिमेटर कहो या विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट कह लो तो वो उसने ये चीज मतलब पॉपुलर कर दी थी कि आई टर्न दिस करेक्टर आई टर्न माई सेल्फ इन टू कॉन्टेंट एनिमे करेक्टर वो करता था तो भारत में इट्स कोवर नहीं किया वो चीज ठीक, तो ठीक है तो भारत का जेलेक्स सही है वो बंदा ठीक है तो मैंने भी कोशिश की एक वीडियो में हालांकि मुझे अली इतनी बुरी वीडियो नहीं बनी थी वो देखना अगर आपने देखी ना हो तो

कुंवर इज ऑल्सो यार देखो ये चीज़ें ना वो होती हैं बहुत टाइम से वो काम कर रहा है ठीक है पहले भी वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम लेके आया इस चीज को वी एफ एक्स को क्योंकि पहले कम लोग मेन स्ट्रीम आपको अभी दिखा है ना अभी कुंवर को एक दो साल से तो सब लोग देख रहे हैं है, हाँ। है ना पॉपुलर होने के बाद पर वो बेचारा कितने साल से वीडियोस बना बना क्या था छोटी छोटी इंस्टाग्राम पे भी ठीक है ट्रैकिंग वाली इस तरह की बनाता था वो तो काफी टाइम से काम कर रहा है पर पहले वो इस तरह से वायरल नहीं हुआ मिली है। नहीं। है। फिर एकदम से उसकी जो ये स्टाइल में जब नई वीडियो उसने की हैं, वो बहुत वायरल गई अब तो खेलने जो पांच छह हजार सब छे हजार सब्सक्राइब आई थी उस पर आदि पुरुष की मैंने ए आर्ट से बस इमेज इमेज से बना के एक वीडियो डाली थी उसके एक लाख से ऊपर व्यू चले गए वो मेरी एक ही वीडियो नए चैनल पे सक्सेस हुई है तो ये आपको पता नहीं होता कौन सी वीडियो चल जाएगी ठीक है ना आदि पुरुष में मैंने एक दो तीन वीडियो डाली दो नई बनी बात और एक चल गई थोड़ा सा मैं एक ट्राई करके देख रहा था उस टाइम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसलिए मैंने वो वीडियो बना दी अदरवाइज मैं इस तरह की चीज़ें बनाता भी नहीं हूँ टू वी फ्रेंड मैं या तो मैं बातचीत कर रहा हूँगा वीडियो के अंदर कोई मूवी का रिव्यू कर दूंगा ठीक है वो मतलब आप खुद के लिए इतना मेहनत नहीं करते हो आप क्लाइंट के लिए काम करते ज्यादा और बाकी हाँ मेरा शायद बैंट ऑफ माइंड वैसे ही हो गया हालांकि करना चाहिए मैं भी चाहता हूँ मेरा भी यूट्यूब वायरल हो चीज़ें मेरे भी लोग सब्सक्राइबर बढ़े बट हाँ उस तरीके से मैं यूट्यूब को लेकर चल नहीं रहा अब आप लोग क्या करते हो स्क्रिप्ट पे भी ध्यान देते हो चीज़ें ध्यान से बनाते हो कुंवर की सबसे अच्छी बात क्या है उसकी क्यों वीडियोज़ वायरल होती हैं क्योंकि वो स्क्रिप्ट पर बहुत ध्यान पढ़ाई करके इतना मेहनत करके मेरे जैसे आदमी ने कुछ लिखता ही नहीं है पेंसिल से तो आपके वीडियो मतलब बस कैमरा ऑन करता मैं कैमरा ऑन करता हूँ बोलना शुरू कर देता हूँ <laughs> यही बिल्कुल ये है इस वजह से वीडियोज़ ब्लैंड एंड बोरिंग हो जाती है कई बार क्योंकि फिर वो मजाक के एलिमेंट नहीं आ रहे वो चीज़ें फिर नहीं सिर्फ वही देखना जिसको एक्चुअली बहुत कम सीख जिनको एक्चुअली सीखना है अगर आपने आप जिस कैमरा वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो आपको इसमें वीडियोग्राफी में में आपका इतना इंटरेस्ट है तो आपने जेरल की वीडियो देखी होंगे जेरल करके ना उसकी वीडियोज नॉर्मली जो आदमी ने नया सीखना शुरू किया है उसके सुर के ऊपर से निकल जाएंगे एक भी वीडियो वो बोर हो जाएगा थोड़ी देर में वो बोलता जाता है बोलता जाता है उसके मजाक भी इतने डेड होते हैं हैं फ्लैट फ्लैट जोक मारते। हाँ, फ्लैट जोक मारते है। <laughs> है। वो वीडियो जिसने आज अगर आप सिनेमेटोग्राफी में हो आपने उसकी कुछ वीडियो देखी आपको ट्वेंटी परसेंट समझ में आया फिर आप उसका चैनल बंद कर दोगे कि यार ये पता नहीं क्या ऐसा डीमोटिवेट कर रहा है कि पता ही कुछ नहीं हमें तो है ना ये लाइट मीटर लेके आया तो उससे नीचे तो बात ही नहीं करता रीडिंग्स दिखाना शुरू कर देते हैं लेंस चार्ट खोल देते हैं फिर आप तीन चार साल बाद दोबारा उसकी वीडियो देखोगे फिर आपको वो फिफ्टी परसेंट समझ में आएंगे उस लेवल तक मैच जब आपका उस लेवल पे पहुंचेगा फिर आपको समझ आएगा कि यार ये बहुत बढ़िया बना रहा था उस टाइम पे भी हमारा उस टाइम पे लेवल नहीं पहुंचा था वहा पे ये चीजें होती हैं टेक्निकल चीजों में ऐसा होता है हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि ओवर टेक्निकल ना करूँ अपनी चीजों को अपनी तरफ से मैं सिंपलेस्ट वे में चीजें समझाता हूँ बेसिक से ही कवर करता हूँ बट मेरा पर्पज़ ये है कि, कि किसी ने एक बार मेरा कोर्स देखा बिल्कुल बिगिनर अगर आदमी में उसको नहीं भी समझ में आया तो वो दोबारा भी देखेगा उसको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें समझ में आ जाएगा तो ये पढ़ाई का भी ऐसा ही है बार बार प्रैक्टिस भी करते रहो प्रैक्टिस के बाद आप दोबारा वो ट्यूटोरियल जाकर दे देखो फिर जाएगा। आपको थोड़ा फिर आपको और समझ में आ जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे आपने कोई गलती की होगी दोबारा देखोगे तो आप क्योंकि अच्छा इसने ये नहीं किया था मैंने ये किया तो मेरा गलत हो गया ये चीज़ें तो अपने यूट्यूब चैनल पर आप कितना ब्लैंड लेके चलते हो मतलब एक तो प्योर टीचिंग हो गया दूसरी तरफ आप कहीं कही ना कहीं सोच देंगे जो ट्रेंड चल रहा है थोड़ा उस पर हाथ मार लेता हूँ ताकि देखो मैंने अभी दृष्टिकोण पर तो मैं टूटोरियल्स ही डाल रहा था सारे अभी निर्देशक राव वाला जो चैनल मैंने दूसरा किया उस पर मैं ब्लेंड करके देख रहा हूँ सब चीज़ें और, और सच बताऊँ तो मुझे आता नहीं है यह मैं मतलब YouTube की गेम नहीं पता मुझे वो कहते हैं ना बट आप इतने टाइम से YouTube कर रहे हो हाँ मैं इतने टाइम से YouTube कर रहा हूँ बट YouTube करने के लिए नहीं कर रहा ना मैं तो कोर्स बनाने के लिए कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसी चीज बना दूंगा जिसको लोग आकर के, के सीख सकते हैं किसी मतलब तो। अच्छा, ये मोटिव रखा है मेरा चैनल ग्रो आपका ये था कि मैं एक कोर्स बनाना चाहता हूँ कहाँ डालू उसको पर डालू हाँ क्योंकि यूट्यूब पर लोग देखते हैं क्योंकि मैं यूट्यूब पर वो तो जो जो मैंने यूट्यूब किया जो जो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया और मुझे नहीं मिला वो वो सारा मैंने यूट्यूब पर डाला भी है बताया ना मैंने क्राउड सिमुलेशन का ट्यूटोरियल किया मतलब हाँ वो करना जरूरी है ना किसी को तो करना पड़ेगा ना जो चीज नहीं मिल रही अब आप एक चीज डालते हो उसके आपको पांच ट्यूटोरियल मिलते हैं ठीक है कोई चीज ऐसी है जिसके ऊपर आपको कोई ट्यूटोरियल ही नहीं मिल रहा तो उस टाइम पे लिए। वो क्राउड सिमुलेशन इन ए ऐसी चीज़ थी इनफैक्ट मेरे को अभी दो हजार तक भी उसके ऊपर कभी कभी कमेंट आ जाता है मतलब लोग अभी भी देखते हैं उस चीज़ को हाँ देखते हैं वो अब इतनी पुरानी चीज़ को भी देख रहे हैं तो कुछ लॉजिक बन रहा है उस बात का कि आप 2012 हजार की कोई वीडियो है उसको अभी क्यों देख रहे हो क्योंकि वो अभी भी नहीं कर रहे लोग क्राउड सिमुलेशन विदे अभी भी नहीं कर रहे लोग मैक्स में वैसे ही होता है उन्होंने भी अपने टैक्स चेंज नहीं किया उसको लेकर के और वो बेस्ट चीज़ है इनफैक्ट आपको कमाल बताता हूँ मैं खुद भूल गया था hmm. मेरे को खुद की वीडियो मैंने अपनी वीडियो देखी फिर <laughs> कि कैसे किया था <laughs> ये भी सही है पूरा लर्निंग आपने डॉक्यूमेंट कर रखा है कभी मेरी डॉक्यूमेंटेशन मैं देख लेता हूँ कई बार चीज़ मिस हो जाती है देखो ना कि आप कोई कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो YouTube पे आके बोल रहा है और उसको सब कुछ मतलब हमेशा मेरे ख्याल से आज के टाइम पे तो जो भी YouTube पे कंटेंट बनाते हैं वो सब लोग पहले कहीं से रिसर्च करते हैं थोड़ा बहुत अपना लिखते हैं और वहाँ से एक्जेक्टली तो जो आपने डाला हुआ है वो आपके भी काम आ जाता है बाद में देख लो ठीक है ना फोन बोल रहा हूँ मैं सारे यूट्यूबर्स की मेरी भी <laughs> <नहीं>। <laughs> तो कोई फनी इंसिडेंट बताओ आपने मतलब कुछ ऐसी कोई चीज़ बनाई आपने थ्री का यूज़ करके जो अनएथिकल हो <laughs> अनएथिकल अनथिकल तो यार कुछ <laughs> जस्ट अपने चेक करने के लिए यार देखते हैं क्या है? <laughs> नहीं ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया अनएथिकल वाला तो आपने बस क्लाइंट वर्क किया है क्लाइंट वर्क मैंने खूब किया अभी बस क्लाइंट का तो बहुत बड़ा पोर्टफुल क्योंकि उस टाइम से पुराने क्लाइंट होंगे आपके अब तक भी आप वैसे करो मतलब नॉन क्लाइंट वर्क कुछ किया ऐसे तो मैं वो बताया था ना आपको स्कूफ वगैरह फनी वीडियो वो तो अलग चीज़ है जैसे होता है कि 3D है तो कुछ बना लो अब तो क्या कर रहे है जो भी मैजीशन सब बना लो

ठीक और एनाटमिक स्टडी बहुत ज़रूरी है जो लोग भी मॉडलिंग कर रहे हैं उनको कई लोग ऐसी मॉडलिंग शुरू कर देते हैं वो कहते हैं यार करेक्टर सही नहीं मैंने लिटरली देखा हुआ है यूनिवर्सिटी में बच्चे मेरे को मॉडल दिखाते थे कि बहुत अच्छा करैक्टर मॉडल किया हुआ है इसने हुँ. और ये मैं जिसकी बात कर रहा हूँ बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा और अब तो उनके काम का लेवल कुछ और ही हो गया तब भी अच्छा था तो वो देख करके मैंने उनको बताया ना कि इसमें ना ये करैक्टर नहीं है वो कहते कैसे क्यों मैं क्या चेस्ट जो है वो बहुत नीचे तक बना दिया आदमी की उसने ठीक है यहाँ पर जो मसल होता भी नहीं है बाईस के यहाँ पर जो ट्राइसेप कैसा होता है ये आपको स्टडी करना पड़ता है अगर आप बिना देखे बनाओगे ना तो आप दोनों तरफ अजीब सा गोला बना देते हो ठीक है बस फुला देते हो उसको फुलाना नहीं है किस तरह से शेप जा रही, रही है ठीक है ना बाइसेप के अंदर दो मसल होते हैं इसलिए उसको बाई बोलते हैं ठीक है अंदर दो मसल हैं ऊपर से कवरिंग की वजह से हमें वो सिंगल दिखता है ठीक है ना ट्राइसेप में तीन मसल होते हैं क्वाड्रिसेप में चार मसल होते हैं तो आपको खोल के अंदर मस्कुलर एंडम भी पूरी पढ़नी पड़ती है तो आपका दिमाग ना वो उस तरफ जाता है नहीं है जो चीज़ों की आप बात कर रहे हो ना अनैथिकल वैथिकल पे आपका सारा दिमाग स्टडी पे चला जाता है ये अब डॉक्टर करते हैं जो चीज़ें तो डॉक्टर्स के सामने पेशेंट क्या होता है नंगे ही होते हैं कितनी बार है ना तो वो उनका दिमाग इस चीज़ में थोड़ा ना होता है उनका दिमाग तो ऑर्गन्स में चीज़ों को ठीक कैसे करना है इसी तरह से आर्टिस्ट भी जब इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो हो सकता है सीखने से पहले लोगों को लगता हो कि अरे वो गेम अपने लिए हाँ, हम ऐसा कुछ करेंगे गेम बनाएंगे वो सब चीज़ें ठीक है गेम के अंदर ठीक है वो ज्यादातर मैंने देखा है अब तो बदल रहा है ट्रेंड भी है हाँ, पहले हाँ, तो पहले, पहले जैसे फीमेल कैरेक्टर्स को ओवर सेक्सुलाइज कर देते थे अब ऐसा नहीं होता नई रेजिडेंट रेजिडेंटिवल थ्री आई थी तो उसमें पुरानी करेक्टर जो पहले उसकी ड्रेसिस वगैरह कैसी थी अब उन्होंने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है क्योंकि अब ये भी देखो ना कि वो मिनी स्कर्ट पहन करके सिर्फ के अंदर तो ऐसे घूम नहीं रही होगी ना तो अब उन्होंने उसको पेंट कर दिया वो लॉजिकल बात है अगर आप कहीं पे ऐसे फाइटिंग सिचुएशन में हो तो आप हाँ, कपड़े आप थोड़े इस तरह के पहन के जाओगे ना वहाँ पे वहाँ पे कुछ करके होगा हाँ, एक्जैक्टली exactly. तो वो अब दोनों चीज़ों का ब्लेंड रख रहे हैं ठीक है कि देखने में सेक्सी भी लगे इंटरेस्टिंग भी लगे देखने में और लॉजिकल भी हो कैसे लड़ेंगे हाँ कि कैसे ये चीज़ें काम करेंगी तो गेम डेवलपमेंट भी किया आपने कभी गेम डेवलपमेंट किया मैं गेम डेवलपमेंट ही सिखाता था इंडस्ट्री में जो गेस्ट लेक्चर में रहता था

अब मेरे को लगता था कि आप वी करते हो और कलर हाँ। ग्रेडिंग uh, और ये सब चीज़ें करते हो मेरा मेन काम जो है ना वो थ्री एनिमेशन ये मुझे कभी नहीं पता कर डिज़ाइन ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी की हम ऐप्स बनाते हैं गेम्स बनाते हैं अच्छा हम गेम्स हाँ। बनाते हैं खुद डेवलप करते हैं वी आर ओप करते हैं वी आर ए आर की ये सब चीज़ें हम करते हैं ये हमारा रेगुलर काम है जो यूट्यूब पे जो भी मैं डाल रहा हूँ वो मेरा पैशन के साथ मैं बस चीज़ें डाल रहा हूँ ठीक है नॉलेज शेयरिंग के लिए जो चीज़ें मैं एग्जैक्टली कर रहा हूँ वो अगर मैं सिखाऊंगा भी तो वो सीखने वाला कोई है नहीं अभी मतलब बहुत ही कम लोग रेयर लोग हैं बहुत ही ठीक है तो मैं इस तरह के कोर्सेज़ वगैरह बना के या इस तरह की मतलब मेरे को ये रहता है कि बच्चे जो सीखना चाहते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही वो सीख पाएँ जॉब ओरिएंटेड कोर्स तो मैंने बनाई दिए दो तीन क्योंकि सबसे ज़्यादा देखो जल्दी एंट्री किस चीज़ में कर सकते हो आप इस फील्ड के अंदर एडिटिंग वगैरह सबसे पहले सीख सकते हो आप इजी जो चीज़ें हैं आपको हिसाब से हैं उसके बाद में अब बच्चे कहते हैं थ्री डे एनमेशन का कोर्स लेकर आओ अभी ला नहीं रहा क्योंकि थ्री डी एनिमेशन कोर्स जो है उसमें मेरा बहुत टाइम इन्वेस्ट होगा एक बात तो ठीक है उसके बाद में वो कोर्स लंबा है आप माया में कहीं पे भी जाते हो तो एक साल से नीचे तो कोई नहीं कहता नहीं ना कि टाइम कंज्यूम अगर कोई कह रहा है कि मैं पाँच महीने में सिखा दूंगा थ्री डी एनिमेशन एक्सपर्ट बना दूंगा तो झूठ बोल रहे तो फिर कोई वो वो।, बता देगा चार पांच टूल बता देगा उसके बाद में वो आप फिर आपकी प्रैक्टिस टाइम भी एक होती है इन चीज़ों में जाता है टाइम एक साल का कोर्स करके एक साल की प्रैक्टिस करके आप बेसिक लेवल पर पहुँचते हो ठीक है तो इसके लिए पहले से माइंड को लेके चलना होता है और बच्चों को आजकल ना मेरे को बताना पड़ता है कि डीमोटिवेट नहीं हो हमारे टाइम पे जब ऐसे बोलते हैं ना कि एक साल ये सीखना पड़ेगा फिर एक साल प्रैक्टिस होगी उसके बाद में कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस कम से कम तीन साल लग जाएंगे एक बेसिक लेवल बेसिक बेसिक में। जाने में तो हम खुश होते थे अच्छा तीन साल के अंदर मतलब हम बन जाएंगे आजकल ऐसा होता है कि दो साल तीन साल करना ही नहीं है तो ऐसे हो जाते हैं बच्चा चाहिए सब कुछ अब वो क्योंकि ना एप्स का जमाना आ गया ना तो अब एप्स में ग्रीन स्क्रीन भी वैसे नहीं काटनी पड़ रही होती वो हो। आज कल अब सभी ऐसे चल रहा है हाँ तो उसके पीछे टेक्स्ट दल जाएगा उसके कूल सब उड़ गए शर्ट उड़ गई उसके अंदर आदमी घुस गया फिर निकल गया है ना वो सब चीजें करते हैं बच्चे तो लगता है सब कुछ ईजी है बट आप इस रेजोल्यूशन पे कर रहे हो जब मूवी बनती है वहाँ पे एक एक फ्रेम देखा जब वो फोर के एट के तब आप फोन से तो नहीं कर पाओगे प्रोसेसिंग ही नहीं है इतनी तो फिर आपको आना पड़ेगा यही जो पसंद नहीं है उन <laughs> <बोरिंग लूप गे। laughs> क्योंकि इंडस्ट्री में यही चल रहे हैं ठीक है ना रिजॉल्व को एप्स अभी रिप्लेस नहीं कर सकती इन फ्यूचर में भी बट अभी तो नहीं बट उनमें भी अब ए आने लग ना मैंने जो नए टूल्स आए हैं टूल आए हैं फोटोशॉप में भी आ गए हैं इसमें भी बड़ी चीजें आ गई है अब तो मतलब सब जगह पे आई जाता है तो प्रोफेशनल तो, सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये है कि आप उससे जाके कहीं पर नौकरी कर सकते हो अगर आपको जॉब करनी है तो एटलीस्ट जॉब नहीं भी करनी तो भी आप उनको इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग वगैरह मतलब पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ा सा अपडेट होना पड़ता है आप क्या कह सकते हो मतलब ये सब स्किल सीख के जॉब करनी चाहिए फ्रीलांसिंग वो आपके अंदर की बात है यार देखो और हर एक के घर की सिचुएशन की बात भी होती है मतलब आपको अपना देखना है कि आपको कितना महीने का खर्चा आप कर सकते हो क्योंकि करना भी है क्योंकि आप जो कमा रहे हो वो तो एक चीज़ है बचा कितना पा रहे हो उसमें से आपने मान लो पच्चीस हज़ार रुपये कमाया उसके बाद आपने इतना उसको बिजली वगैरह लगी आपकी पंद्रह हज़ार तो बिल आ गया आपका ठीक है ना दस रह गया ना उसमें से आपने भोजन भी किया कुछ आपका तो नेगेटिव हो गया ना कि पच्चीस कमाया और पैंतीस लग गया फिर कोई फायदा नहीं है उससे प्रॉफिटेबल फिर जॉब कर लो उससे अच्छा जॉब कर लो बिजली उनकी लेगी ठीक है आपको एक सम ऑफ मनी मिलेगा उसमें से सेविंग करो अगर आपने पाँच हज़ार रुपये भी बचाया तो आपका जुड़ता जाएगा फिर आप एक सिचुएशन में कभी हो गए कि आप सोच सकते हो कि हाँ अब मैं दोनों साथ साथ साथ, कर साथ, साथ में करते हैं, हैं लोग करते हैं लोग होती नहीं है ढंग से बता देता हूँ कोई ठीक है कोशिश करनी चाहिए अच्छी बात है बट हाँ जब तक पैशन है उस तरह का क्योंकि फिर आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना, करना, करना शुरू कर देते हो तो एक टाइम के बाद जाकर मतलब आप रात भर काम कर रहे हो सुबह ऑफिस जा रहे हो ये जो ये एक एक ही पर्टिकुलर फेज होता है जिसमें आप प्राइम पे होते हो अपने है ना जैसे सोलह साल से लेके आप लगा लो पच्चीस साल तक का बच्चा जो है वो ज़्यादा काम कर सकता है मेहनत कर सकता है पूरी वो, वो कर सकता है कि मैं चार घंटे ही सोऊंगा सिर्फ ठीक है बट इन चीज़ों को लगातार जब हम ज़्यादा करते हैं तो वो हमारी हेल्थ पे फिर टोल लेना शुरू कर देती हैं ठीक है आपका दिमाग आप सोचो कभी आप जैसे पूरी रात जगे होते हो और मान लो दो दिन गए आप नींद मिली नहीं है एक डेढ़ घंटा सोए बीच में उस टाइम पे आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग बड़ी स्लो हो जाती है आप कई बार ये करते हैं कि टूल पे मैंने कट लगाया और कट ल, आप सो गए कट लगा मतलब भूल गए उस चीज को कि, लगाया कि मैं कर लगाया। क्या रहा था लगाया कि नहीं कन्फ्यूज है तो मैं करते करते मैंने करना क्या था ऐसा होता है ना तो ऑब्वियसली लिमिट है ना फिजिकल चीजों की तो आपको ये सब चीजों को बैलेंस करके अगर चलोगे तब तो बढ़िया है ठीक है पैसा कमाना जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि फिजिकली फिट नहीं हो तो मेंटली फिट नहीं हो मेंटली फिट नहीं हो तो बाकी सारे काम अपने आप खराब हो जाते हैं ठीक है ना तो ये ऑफ टॉपिक बातें हो गई लेकिन मतलब जरूरी बातें हैं ये ये फील्ड <laughs> से रिलेटेड भी है। चाहे आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो चाहे किसी नॉर्मल फील्ड में भी हो ये एक फैक्ट है कि आपको जो है शरीर और दिमाग को तो ठीक रखना पड़ेगा तो जो बंदे अभी नया नया सीखना चाह रहे हो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हो उनको क्या आप तीन टिप्स दोगे जो आपने पिछले दस साल से एक ही टिप है पेशेंस और प्रैक्टिस ही करनी है बस इसके अलावा कुछ नहीं पी, -पी। अपने आप होता है सब कुछ आपको लगता है आप कुछ कर रहे हो आप कुछ कर ही नहीं रहे होते आपको तो बस फ्लो के साथ जाना होता है अगर आपने ये जैसे नदी पार करनी है तो वहाँ पे नाव खड़ी है ना लाल नाव है नीली नाव है हरी नाव है आपने चूज ये बस इतना कर सकते हो आप हरी में बैठे लाल में बैठे नीले में बैठू पानी बैठ गए अगर उसके बाद तो फिर नाव चलेगी फिर तो पहुंचोगे कहीं ना कहीं तो ठीक है तो अगर घुसी गए एनिमेशन में तो एनिमेशन अगर वी एफ एक्स में घुस गए तो वी एफ एक्स जिसमें भी घुस जिस गए फील्ड के अंदर वो कहीं कही ना कहीं तो पहुंच जाओगे बस अब वो आपको देखना कि वो चलती हुई नाव के अंदर हफरा तफरी करके सबको डरा के नाव पानी में गिर के वापिस चढ़ के ऐसे जाना है या बैठ जाना कि ठीक है भाई धीरे चल रही है तो भी कोई बात नहीं पहुंच जाएगी है आपकी लाइफ को लेके आप चप्पू चलाते रहो बस पहुंचना है दूसरी साइड जो भी काम कर रहे हो क्रिएटिव फील्ड के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है आज की डेट में पेशेंस का ही लॉस हो गया है मैंने ये देख लिया है मैक्म लोगों को फास्ट सीखनी चाहिए फास्ट ग्रोथ कर बहुत फास्ट ग्रो करना यार अगर आप इतनी फास्ट के ऊपर रहोगे ना क्योंकि बच्चे इस चीज़ से बड़ा वो रहे हैं मैंने देखा कि अभी कुछ करना शुरू किया कोई एक कोई एक ऐप ले ली ऐप ए है ना अभी वो उसके अंदर एक डेढ़ दो हफ्ता लगाया ऐप भी आ गई नई उसमें कोई नई चीज़ होती है और इसको छोड़ के उसमें चले गए फिर उसको छोड़ के तीसरे में चले गए फिर एक भी नहीं सीख पा रहे ढंग से ठीक है ना तो औ, और एक और चीज़ मैं चलो आपने डीप बात कर दी तो मैं भी थोड़ी सी बता ही देता हूँ आपको दूसरी चीज़ ये कि ऐप्स और ये सब जो चीज़ें हैं ना इन सबको एक सेट सॉफ्टवेयर को सबको भूल जाओ सॉफ्टवेयर सिर्फ टेकअ को सबको भूल जाओ एक बार के लिए कोर प्रिंसिपल सीखो कोर प्रिंसिपल नहीं सीख रहा कोई भी Hmm. सिनेमाटोग्राफी करनी होती है मैसेज करते हैं सर कौन सा कैमरा लूँ कौन सा लेंस लें कौन सा ऐप यूज़ करें मैं ये बता रहा हूँ कि कैमरा को छोड़ दो तुम अभी तुम्हें लाइटिंग आती है hmm. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइटिंग है और लाइटिंग का मतलब ये नहीं कि कौन सी लाइट खरीदूँ <laughs> उसमें तो भी लोग यही बोलते कौन सी खरीदनी चाहिए <laughs> मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास सिर्फ एक बल्ब है मान लो पुराने जमाने का सौ वाट का बल्ब होता है तो तुम अपने सीन को कैसे लिट करोगे मुंह के ऊपर लगा दोगे लाइट को ताकि पूरा आदमी करेक्टर बेकार लगे या तुम लाइट को पीछे रखोगे और आगे उसको सिलवेट बनने दोगे थोड़ा डार्कनेस आने दोगे लेकिन देखने में मूडी सिनेमेटिक लगे वो वो पढ़ाई है ना उस चीज की ठीक है जब आपने आई डोंट नो आपने कभी दिया है एग्जाम होते हैं इनके एन आई डी अहमदाबाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जैसे उनके एग्जाम जैसे होते हैं ना तो उसमें क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि एक रूम का सीन बनाना है जिसके अंदर एक करेक्टर बैठा हुआ है और शाम के पांच बज रहे हैं अब करना है स्केच करना है ये हाथ से तो शाम के पाँच बज रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए शाम के पाँच बजे सूरज जैसे थोड़ा नीचे आ जाता है उसका शेडो लंबी पड़ेंगी ठीक है वो आपके सीन में दिखना चाहिए अगर शेडो छोटी है मतलब दोपहर के दो बजे हैं लाइटिंग लाइटिंग तो पेपर से शुरू हो जाती है पहली चीज से एक स्केच से भी वो बेसिक नॉलेज है मैं अभी पॉडकास्ट पर बता रहा हूँ बड़े अच्छे से जिस लोगों को भी सिनेमाटोग्राफी सिर्फ बात नहीं कर रहा एनिमेशन की भी एनिमेशन में भी हम एक्चुअली रेंडर करते हैं ना हमारा मीडियम क्या है हम कोई भी फोटो या वीडियो बनाते हैं ठीक है वीडियो भी सीरीज ऑफ़ फोटोज हैं चौबीस फोटो एक साथ चलेंगे वीडियो बन जाएगी जो भी चीज़ आप दिखा रहे हो वो लाइटिंग है आप कितनी ब्यूटीफुल लाइटिंग क्रिएट कर सकते हो वो मेन गेम है आप सबसे सुंदर कब लगते हो आप फोटोज खिंचवाते हो गोल्डन आवर के टाइम जो हम बात करते हैं कि अगर आपके पास वैसे आर्टिफिशियल लाइटिंग वगैरह अच्छी नहीं है तो तो आप सूरज जब ढल रहा होता है सबसे प्यारी लाइटिंग होती है उस टाइम पे उसको देखो उसकी फोटोज को देखो उसको रिक्रिएट करो अपने शॉर्ट्स के अंदर वैसी लाइटिंग रिक्रिएट करो ठीक है चाहे वो एनिमेशन हो चाहे वो रियल शूट आप कर रहे हो ठीक है प्लीजिंग टू आई होनी चाहिए लाइटिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका फिर मोबाइल से भी आप फ़ोटो खींचोगे वीडियो बनाओगे ना वो भी अच्छी लगेगी अगर आपका सीन की लाइटिंग बढ़िया है तो वो ये नहीं करना कि एन वाले पेपर में कि जब शाम के पाँच बजे रहे तो भाई को लाइटिंग आती नहीं है तो भाई ने ऊपर घड़ी बना के पाँच बजा दी उसमें <laughs> <laughs> कि ये सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद थी पाँच बजे हमने पाँच बजा दिए ट्यूबलाइट के अंदर ठीक है वो चीज़ नहीं करनी लाइटिंग सीखनी है लाइटिंग सीखोगे तो वो हर जगह काम आएगी

ग्रीन स्क्रीन बढ़िया कट गई लेकिन जो बैकग्राउंड डाल रहे हैं उसकी लाइटिंग ग्रीन स्क्रीन से मैच नहीं होती हूँ बैकग्राउंड ऐसे लाल लाल सा है, से पीछे से रेड मतलब सूरज है और यहाँ पे आपकी सारी लाइट फ्रंट से पीछे से कोई लाइटिंग थी मैच ही नहीं कर रहा होता hmm. तो अपनी वीडियोस में मैं ये भी बताता हूँ ग्रीन स्क्रीन का मैंने पूरा कोर्स इसीलिए बनाया था कि लोगों की ग्रीन स्क्रीन अच्छी लगाने के बाद में भी वो बात क्यों नहीं बन रही होती lighting तो मटीरियल से लेके लाइटिंग सब कुछ प्लान चीज़ें जो ये बेसिक्स है ना ये सीखो ये इंपॉर्टेंट है विदाउट सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें जो हैं पढ़ाई जो है वो सीखो पेंसिल उठानी पड़ती है इन चीज़ों के लिए भी तो ये नहीं कह रहा कि सबको बहुत अच्छा स्केचिंग आर्टिस्ट बन जाना है पर कंसेप्ट तो सीखने एटलीस्ट ठीक है कि एक गोला बना करके सिंपल सर्कल जो है वो स्फीयर कैसे लगेगा अगर इस तरफ शेडिंग होगी हो यहाँ से शेडोज बनेगी यहाँ से सफ़ेद होगा गए यहाँ से काला होगा तो जिधर एक तरफ से लाइट आई ना और दूसरी तरफ शेडो बने हमारे एक सर होते थे मंगाली बड़े बड़े थे वो तो वैसे समझाते थे हमको इधर से लाइट आएगा तो उधर में शेडो बनेगा तो वो वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जिस तरफ से लाइट आएगी तो अपोजिट साइड साइडो बनेगी अब लाइट अगर बिल्कुल ऊपर है तो शेडो नीचे बनेगी छोटी बनेगी लाइट साइड में है तो शेडो लंबी बनेगी क्योंकि शाम हो गई है ना हुँ. तो ये प्रिंसिपल्स आपको सीखने हैं आपको हर जगह काम आएंगे ये आपने अपने चैनल पर सीरीज बना बनाया इस चीज़ की मैंने लाइटिंग की सीरीज नहीं बनाई कोई यही आपने गलती कर दी नहीं मैं बना बनाने की सोच रहा था पर समय थोड़ा सा होता मैं बनाऊंगा इस साल में मैंने काफ़ी चीज़ें अभी मैंने रिवैंपिंग करनी है यार बहुत ज़्यादा अभी मेरे पास दृष्टिकोण है निर्देशक राव है एक और चैनल मेरे पास पुराना है गुजबम से वो इस्तेमाल नहीं हुआ डेड चैनल है तो मैं इन तीन चैनल्स को मै मुझे मैनेज करना है मैंने ऐसे निर्देशक राव पे मैं ट्यूटोरियल भी डाल दिए थे बीच में मिक्सिंग एंड मैचिंग सी हो गई है ज़्यादा तो मैं कुछ प्लान करूँगा अब मुझे पता नहीं एक्जैक्टली कैसा होगा तो आप भी सजेशन दे देना मुझे इस प्रॉडकास्ट के बाद में ठीक है आप लोग YouTube वगैरह ज्यादा करते हैं आपको पता है आपसे भी तो मतलब एक तरह की चीजें एक चैनल पे हो सी हाँ, उस तरह से बन लोग एक जैसे लोग हो गए हाँ क्योंकि जिसको ये चीज देखनी है अब मेरी वीडियो की प्रॉब्लम यही है मेरी एक वीडियो कोई देखता है ना तो उसको जो नेक्स्ट वीडियो जो होती है उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा बिल्कुल वही क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ये ये प्रॉब्लम भी है मतलब ये बहुत सारे टॉपिक चैनल पे कवर होता है हाँ जो लोग सीखने जाते हैं उनके लिए तो सही है लेकिन जो नए लोग हैं उनको समझ नहीं आते हैं कहाँ से शुरू करें आप कोई एडिटिंग ही सीखने है जिस आदमी ने उसको प्रीमियर की वीडियो ही चाहिए सारी आपने बीच में डाल दी वी वाली तो बीच में मेरी अन इंजन की कोई आ गई उसके लिए वो बेमतलब हो जाती है बिल्कुल फिर बंदा सोचा यार तो नेक्स्ट चैनल देखो वही एक्जैक्टली और अगर मैं उस लेवल पर चला जाऊँ क्योंकि जितनी चीज़ें आती हैं ऐसे तो मैं दस चैनल बना लूँगा फिर एक ही अपडेट करना मैनेज नहीं होगा मैनेज ही नहीं होगा तो यही प्लानिंग करनी है कि कैटेगराइज कर देना कि इस इस तरह की इसमें तो, तो मैं इस इस बार करूँगा मैं जनवरी में ही सब कुछ करके ना इनफैक्ट मैं वर्कशॉप्स वगैरह भी सोच रहा हूँ अभी तो जो आप कह रहे थे ना पेड कोर्सेज कोर्सेज तो मैं नहीं करवाऊंगा पेड अभी तो फिलहाल मैं भी करवाऊँ रिस्पॉन्स पर रहेगा बट मैं सोच रहा हूँ कि जैसे सिंगल डे वर्कशॉप्स जो हैं वो डेफिनेटली मैं अरेंज कर सकता हूँ बहुत बच्चे बोलते भी हैं तो उसकी मैं देखता हूँ बीच में टाइम मिलेगा तो अनाउंसमेंट वगैरह करूँगा देखते हैं अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं वर्कशॉप जरूर करवाऊँगा तो वहाँ पे मैं लाइटिंग की लाइव वर्कशॉप की सोच रहा हूँ क्योंकि लाइटिंग ऐसी चीज़ है मैं ट्यूटोरियल्स भी बना दूंगा बट uh, वो प्रैक्टिकली है प्रैक्टिकली समझाना ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये सब बहुत सारी आपने क्रिएटिव चीज़ें बता दी आप ये करते हो वो करते लेकिन इन सब के अलावा जब माइंड का भी आपको स्पेस चाहिए तो क्या करते हो आप फिर इसको बिल्कुल साइड हटा के देखो वो तो रोज़ ही करना होता है कभी कभार नहीं क्योंकि कभी कभी लगता है आपको यार ये सब झमेला है इसको हटाओ कुछ नॉर्मल लाइफ जीते हैं कभी कभार नहीं झमेला ही है सब कुछ इवेंचुअली सब झमेला ही है ठीक है इन सब चीज़ों को कभी भी हावी नहीं होने देना अपने ऊपर कभी भी मन में ये नहीं लेके आना होता कि मैं बस यही करना है और मुझे नंबर वन इसके अंदर वो ठीक है वो मोटिवेशन वाली बातें अलग होती हैं पर मेन चीज़ आपको यह है कि आपको अपना अपनी लाइफ भी देखनी पीस ऑफ माइंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब चीज़ें आप तभी ज़्यादा अच्छी कर पाओगे अगर ये भी गोल है ना कि नंबर वन बनना है तो उसके लिए भी इसमें लगे रहोगे तो नंबर वन नहीं बन पाओगे सिर्फ लगे रहोगे तो अपने आप को मैंने जैसे पहले बताया पीस ऑफ माइंड मतलब अपना ब्रेन और बॉडी ये दोनों फिट रखनी है फिर आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे उसके लिए मेरा तो ये रहता है देखो मेरा बेस्ट टाइम जो होता है हमेशा हाँ, तो मुझे, मुझे मौका नहीं मिलता नहीं है बट बेस्ट ये होता है मैं साढ़े तीन चार बजे कई बार फिर फिर ऐसा फेज आता है साल में एक बार जब मैं साढ़े तीन चार बजे उठ रहा होता हूँ सुबह सुबह उठ के साइकिलिंग करता हूँ ठीक है और अपना अच्छे कुछ जो है भजन वगैरह सुन लेता हूँ इससे मुझे जो भी आपको लगता है आपको पीस देती है जो चीज़ इस तरह चीज़ सुन लो ठीक है थोड़ा सा मेडिटेट कर लो एक्सरसाइज़ कर लो सुबह सुबह ये करके उसमें क्या होता है कि मैं मतलब वापस आ जाता हूँ छः बजे तक अपना सब चीज़ें करके चार बजे उठ के और भोजन वगैरह करके मैं ग्यारह साढ़े ग्यारह बारह बजे तक तो अपने सारे काम कर चुका होता हूँ दिन के उसके बाद मेरा पूरा दिन खाली पड़ा होता है तो 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 सारे क्लाइंट खत्म कर देते अपने हाँ क्योंकि ये, क्यों मैं खाना वाना खाके बैठ ही गया सात बजे जब आके तो, तो सात से लेके बारह बजे तक तो सात पाँच बारह ना पांच घंटे हैं मेरे पास और वो पाँच घंटे क्योंकि मैं बहुत फ्रेश होता हूँ उस टाइम पे फिर मैं अभी अभी इतना रिचार्ज होकर आया हूँ साइकिलिंग करके मेडिटेट करके ये सब चीज़ें करके अच्छा मैंने भोजन किया है एक गुड फीलिंग देती है आपको चीज़ ठीक है ना जब आप जिस दिन आप जिम वगैरह कुछ कर लेते हो आपको गुड फीलिंग आती है ना कि मैंने कुछ बढ़िया वर्कआउट के बाद अच्छा लगता है तो आपने मेडिटेट करके भी मैं योगा वगैरह थोड़ी इस तरह की चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा मेरा जिम से ज़्यादा उस तरफ रहता है मेरा घर पर मैंने एक्सरसाइज के लिए गदा वगैरह रखी हुई है तो थोड़ी देसी वाली एक्सरसाइज करता हूँ मैं तो वो सब करके जब माइंड को जो एनर्जी मिली होती है ना उससे आपके दस बारह घंटे वाला काम कर देते हो और करके ना अब आपके घूमो जो मजे करने हैं करो पिक्चर देखो ठीक है वो गलत है कि जब आप काम करने बैठे हो और आप चिड़ रहे होते हो कि यार ये काम मुझसे हो नहीं रहा और भी फिर भी आप पिक्चर देखना शुरू कर देते हो उस टाइम पे क्योंकि आप खिंच गए हो ठीक है तो आप वो काम को भी नहीं कर रहे वो फिल्म देख भी इंजॉय नहीं कर पा रहे ठीक है उससे बेटर ही है तो ये फेज़ मेरा बेस्ट रहता है बट ये मेंटेन मैं नहीं कर पाता वो अलग बात है क्योंकि वही कई बार रातों को जागना पड़ता है और एक बार एक स्ट्रिक्ट लग जाती है एक दिन आप पूरी रात जागे ना सुबह आठ बजे सोए तो फिर वो फिर चलता है थोड़े टाइम तक फिर वो प्रोजेक्ट वगैरह जब खत्म होते हैं फिर वापस मैं ठीक करता हूँ ठीक है तो कभी पाँच बजे उठना बेस्ट होता है मेरा साढ़े तीन बजे उठने का अदरवाइज मैं पाँच छः बजे भी कभी उठता हूँ तो वो भी बढ़िया है उसके बाद भी बहुत सारा काम आपका मतलब हाफ डे तक चीज़ें खत्म हो जाती हैं आपकी बाकी का टाइम आपके पास फिर क्रिएटिव चीज़ें और पर्सनल चीज़ें सोचने के लिए टाइम बच जाता है ठीक है फिर आप ये जो है जो आप तो खैर कर ही रहे हो ऑलरेडी मैं अपनी बात कर रहा हूँ फिर आप उस दिन वीडियो उसमें आप फिर पर टाइम पर डाल देते हो वीडियो बना के उस दिन आप जब आने आपको जब आपको टाइम मिलता हैं अब कुछ कर दें है कभी कभार तो ये कोई प्रोजेक्ट गया होता है उसी को ही डिस्कस कर लेते हैं अब म्यूजिक वीडियो की थी तो अभी एक मैंने रिसेंट वीडियो बनाई थी एक पंजाबी म्यूजिक वीडियो की लियो भाई है उनकी वीडियो की थी उसमें सटल वी किया था तो मैं लोगों को बताना चाहता था कि हमेशा ये नहीं होता किएगा वो गौ, डायनासोर दिखाई देगा अलग से क्रिएचर होगा ऐसा भी वे होता है जो बीच में गायब हो जाता है पता नहीं लगता आपको तो वो चीज़ मैंने उसमें शेयर की थी तो अपने कामों को भी मैं इस तरह से अब यही चीज मैं सोच रहा हूँ कि नए चैनल में बस इस तरह के टॉपिक्स डिस्कशन वाली चीजों पर करूँ और टूटोरियल्स वगैरह दृष्टिकोण पे एंड कुछ गेमिंग वगैरह का तीसरे चैनल पर मैं देखूंगा अगर उसका भी मेरा इंटरेस्ट है वो वो फ्री टाइम में गया कम बैक करने वाले तकड़े वाला है YouTube पे वापस कम बैक करने वाले कम बैक तो क्या गए थोड़े ना थो कहीं हम <laughs> ये, ये हिट नहीं हुए वो अलग बात है <laughs> बाकी ठीक है मतलब जितना चल रहा है मेरे को ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जितने भी क्रिएटर्स के लोग वीडियोस देखते हैं ना वो सब आपको वो क्रिएटर्स मेरे वीडियो देखते हैं सब हो मतलब बात करें ना करें हाँ तो कुछ कुछ रहता कैसे जो आप बताना चाहो मैं आपसे पूछना भूल गया हूँ नहीं बहुत अच्छा लगा रहा है आपसे मिलके यही कहना चाहूँगा मैं अगेन आ, सारे जो भी ऑडियंस देख रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें डेफिनेटली बहुत सारा कंटेंट ये नया भी लेकर के आने वाले हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप मैं तो आपके साथ मैं में बारे में।, में।, <laughs> में जो लोग इनको नहीं जानते उनको बता दूँ इनका नाम है प्रोडक्शन आप सब लोग जानते होंगे जो क्योंकि मेरे पास भी वही ऑडियंस है मोस्टली जो सीखना चाहते हैं कुछ तो उन्होंने आपको चैनल कभी देखा होगा सो अगर फिर भी आपको कुछ सीखना कोई भी ऐप कोई सॉफ्टवेयर आपको ना समझ आ रहा हो प्रीमियर प्रो या फिर डविंगशिया या फिर कोई भी ऐसा थ्री सॉफ्टवेयर इनका चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूँगा वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना और इनको भी थोड़ा सपोर्ट करो काफी टाइम से यूट्यूब पर यह ग्रो करना चाहिए करो मेरा नया चैनल है निर्देशक राव नाम से अगर ए के लिए ये लोग पूछते हैं मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैप्स पर वीडियो लेके आऊँगा और अनरियल के तो वो उसके लिए आप निर्देशक राव वाला चैनल देखना बाकी एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी वगैरह के लिए दृष्टिकोण दृष्टिकोण प्रोडक्शंस तो थैंक यू सो मच सर आप हमारे चैनल पे आए थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सेम है गुड बाय गाइस थैंक यू सो मच फॉर बाय